क्लास नाइन्थ, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान का अध्याय दो पढ़ेंगे। क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव्य शुद्ध हैं? ये हमारा आज का विषय। इसमें बच्चों सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, दो तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। हमारे चारों ओर दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। जैसे यदि आप एक पेपर पे कोई पेपर लेते हैं और उस पेपर पर आप चीनी रखते हैं और एक दूसरे पेपर पर अगर आप मिट्टी रखते हैं और उन दोनों को अलग अलग कागज़ पर रख कर आप ये देखते हैं, तो आप देखेंगे कि चीनी के कणों का आकार और आकृति, रंग समान है, लेकिन मिट्टी के कणों का आकार, रंग और आकृति भिन्न भिन्न है। क्योंकि मिट्टी में मृदा के कण, कुछ घास के कण, मृत कीड़े मकौड़े ये सब होते हैं, परंतु चीनी में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, जिस कारण चीनी हमारी शुद्ध पदार्थ है। वो एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बनी है, इसलिए या यौगिक से, इसलिए वो शुद्ध पदार्थ है। तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों आते हैं। हमारे चारों ओर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं बच्चों, सभी शुद्ध नहीं हैं। हमारे चारों ओर दो प्रकार के पदार्थ हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। उन कणों को बच्चों परमाणु या अणु कहा जाता है। एक ही प्रकार के परमाणु और अणुओं से बने होने के कारण ये पदार्थ शुद्ध कहलाते हैं। जैसे आपने कॉपर देखा है, कॉपर को तांबा भी कहते हैं। तांबा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, इसलिए तांबा शुद्ध पदार्थ है। जल भी एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है, जल के अणुओं से मिलकर बना है, इसलिए जल भी शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है। जितने भी तत्व और यौगिक हैं, ये सब शुद्ध पदार्थ हैं। जैसे सोना, चांदी, कॉपर, मरकरी, सल्फर, कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, चीनी, जल, कैल्शियम, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इसलिए एक शुद्ध पदार्थ का अपना निश्चित गलनांक और निश्चित क्वथनांक और एक निश्चित संगठन होता है बच्चों। अब आप शुद्ध पदार्थ समझ गए। अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आते हैं। जितने भी मिश्रण हैं वो सब इम्प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत आते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के कणों, परमाणु या अणुओं से मिलकर बने होते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के परमाणु या अणु उपस्थित होते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के साथ बनते हैं और ये दो शुद्ध पदार्थों के मिलने से बनते हैं। जैसे नमक शुद्ध है और जल भी शुद्ध पदार्थ है। अगर नमक और जल को मिला दें तो एक मिश्रण तैयार हो जाएगा नमक और जल का। तो ये दो शुद्ध पदार्थ मिलकर एक मिश्रण तैयार करते हैं जो इम्प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत या अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है। जल का चीनी का मिश्रण भी अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है। इस प्रकार क्योंकि इनमें अशुद्ध पदार्थ मिश्रण में सभी अशुद्ध पदार्थ होते हैं, तो जैसे नमक का विलयन, पेट्रोलियम, सीएनजी, आपकी एलपीजी गैस जो आप घर में यूज़ करते हैं, दूध, ये सब आपके मिश्रण के अंतर्गत आता है। बायोगैस, गन पाउडर, धुआं, तो हमारे चारों ओर अधिकांश दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण पाए जाते हैं। जैसे आप घर में मक्खन बनाते हैं तो दूध और पानी, पनीर, शैम्पू, साबुन, ये सब आपके मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। तो आज आपने ये जाना
कि हमारे चारों ओर दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक शुद्ध पदार्थ जो तत्व और यौगिक है, एक अशुद्ध पदार्थ जिन्हें हम मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण बच्चों दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। आज हम इतना ही जानेंगे, नेक्स्ट टर्न पे हम समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।